हमें ऊंची आवाज़ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात करता है उसे आइटम की चुम्मी दी जाती है। वेलकम बैक मेरे जान, स्वागत है फ्री फायर के एक और न्यू तबाही वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं सोच रहा हूँ 40-50 किल कर लूंगा यार। हाँ, पूरा सर्वर तू ही खत्म कर दे, बड़ा या नोबड़ा। अरे पप्पू भाई, बेइज्जती नहीं करने का यार, लंबी लंबी फेंकनी पड़ती है। ले भैया ओम फो, आपकी डिमांड में पूरी की पूरी 4 मिनट की लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है यार। अरे नहीं 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 चचा, अब हमको लग रहा है कि पिक पे एक और पेटी बनने वाली है। अरे 2 नंबर टोकन बचा के रखना। ले भैया ओम फो, अब आपको क्या लग रहा था कि हमारी पेटी बनेगी? अरे यार हमारी और आपकी सोच कितनी मिलती है। चचा कहाँ गए? हम इसको पूरा नहीं मारेंगे, इसको इमोट दिखाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, तभी तो इसके टीममेट बदला लेने के लिए आएंगे और मेरा केडी बढ़ेगा। साला ढीठ लौंडा बुलाने वाला तो है नहीं यार। हमको ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी पेटी बनने वाली है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, इसने तो अपने पूरे खानदान को बुला दिया। ओम फो, अब देखो मैं आपको 1v4 क्लच करना सिखाता हूँ। आपको पता है किसी भी प्रो प्लेयर को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब उसके सामने उसका डाउन किया हुआ बंदा रिवाइव हो जाता है तब। लेकिन हमको ये दुख नहीं हो रहा है, क्यों? मैंने क्या बोला था, ये दुख सिर्फ प्रो प्लेयर को होता है। और हम छोड़ो छोड़ो जाने दो। अरे अरे 2 नंबर बचा ले, 3 डाउन कर दिया था, एक ही बचा था फेकू चंद। अरे अरे फेकू चंद किसको कहा, कल की वीडियो देख लेना। हाँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल मेरे यहाँ एक अंकल जी आए, उन्होंने बोला बेटा सुनने में आया कि दिन भर मोबाइल चलाते हो। मैंने बोला अंकल जी आपने बिल्कुल गलत सुना है, मैं तो रात भर भी मोबाइल चलाता हूँ। बस मैंने इतना ही बोला था, इसके बाद तो अंकल जी बिना चाय नाश्ता किए चले गए। अब ये बंदा हमको 1 घंटे तक नचा रहा है। अगर आपको आभास हो जाए कि सामने वाला बंदा आपसे प्रो है तो समय रहते निकल लो, नहीं तो पेटी बन के रहेगी आपकी। अब देखो हमको आभास हो गया कि सामने वाला बंदा प्रो है तो मैं पीछे निकल गया। ये मत समझना कि मैं डर गया। अगर सिर्फ 2 कदम पीछे किया इसका मतलब सिर्फ 2 ही कदम पीछे किया। अब देखो मैं जा रहा हूँ रस करने, क्योंकि मैंने 4 कदम पीछे किया था। ले भैया ओम फो, अब मैं इसको पूरा नहीं मारूंगा, इसको मैं इमोट दिखाऊंगा, गुस्सा दिलाऊंगा। अरे 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 गलती हो गया, माफ कर दो। आपको क्या लगा था कि मैं ऐसा बोलूंगा? अरे नहीं, अरे यार दर्द तो बहुत लग रहा है, इतने तो अपना पूरा खानदान बुला लिया। ओम फो क्या लगा था आपको मैं नूबरा हूँ? बस थोड़ा बहुत लच्छन मिलता है लेकिन नूबरा हूँ नहीं। अबे सच में क्लच कर दिया क्या? अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, क्लच ब्लच तो मैं करता रहता हूँ लेकिन वो सपने में होते हैं। अब देखो हमको सामने दिख चुका है बंदा, अब पता नहीं कैसे लेकिन क्लच करते करते मेरी आंखों की नजरें बंदे पे डाके टिक जाती है। पिंचो की नजर और चील की निगाहें पे कभी शक नहीं करना। अब बस बहुत हो गया, तुम सब अपनी आंखें खुली रखना। अभी तक आपने आंखें नहीं ना खोली, मत खोलना, गलती से डेंडल डोन से इलिमिनेट हो गया। अरे आप लोग जाओ, अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं इसको रिपोर्ट मार के आता हूँ।